हाय एवरीवन, आज बनाते हैं स्पाइसी और टैंगी इंडियन स्टाइल मसाला मैक्रोनी। शुरू करते हैं। पहले डाला है 1 टेबलस्पून बटर और उसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले सारी वेजी सॉटे करेंगे, तो वील स्टार्ट विद अनियंस। यहाँ मैंने डाइस्ड अनियंस लिए हैं, आप रेड या वाइट कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे डाइस्ड गाजर और डाइस करी हुई पत्ता गोभी। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे डाइस्ड कैप्सिकम। मसालों के लिए हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ओरिगानो, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और स्वाद अनुसार काला नमक। सब्जी सॉटे हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा कप टमेटो प्यूरी और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक पेस्ट। मैंने मेरा चिली गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए 2 सूखी लाल मिर्च और 4 कली लहसुन को पानी में उबाल के उन्हें पीस लिया था। अच्छे से चलाएंगे जब तक हमारी प्यूरी पूरी पक नहीं जाती, और फिर उसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। चिली गार्लिक पेस्ट का फ्लेवर बहुत ओवरपावरिंग हो सकता है, इसलिए शुगर डालनी बहुत ज़रूरी है, वरना इसका फ्लेवर बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा। प्यूरी को खोजाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 बड़े टेबलस्पून मेयोनीज। यह हमारा मसाला मैक्रोनी का मसाला तो रेडी हो गया है, तो अब इसमें मैक्रोनी भी डाल देते हैं। मैक्रोनी को अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। पांच मिनट धीमी आंच पे ढक के पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा धनिया। क्योंकि मैंने इस रेसिपी में सूजी वाली मैक्रोनी यूज़ करी है, ये एक बहुत अच्छी हेल्दी ट्रीट है आपके बच्चों के लिए। इसमें सब्जियां भी हैं, टमाटर की प्यूरी भी है और बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं हुई है। और बस हो गई हमारी मसाला मैक्रोनी रेडी। टमेटो की टैंगीनेस और चिली का एक स्पाइसी किक इस मैक्रोनी को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।